wanna light the shit up. Yeah, I'ma make the shit hot. Oh, wanna light the shit up. अब यार देखो, स्टार्टिंग में मैंने जो तुम्हें एक्स सूट की क्लिप दिखाई थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हें कैसी लगी। अभी आगे चल के मैं तुम्हें उसका पूरा भाई एक पूरा बढ़िया वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें कि तुम्हें पता लगेगा उस एक्स सूट के बारे में, वो कैसा है, कैसे उसके इमोट है, और भाई वो सीरियसली कब आने वाला है। और देखो, जैसे एक ग्लेशियर गन की स्किन होती है, तुम्हें पता होगा M4 ग्लेशियर, जो कि मेरे पास भी है, ठीक है, तुम्हारे पास भी आई थिंक सो कुछ बंदों के पास होगी। अब देखो, चाहे वो हो पबजी मोबाइल, चाहे हो वो BGMI, भाई इन दोनों चीज़ में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी वो थी भाई ग्लेशियर। सिर्फ एक स्किन इतनी ज़्यादा फेमस है ना, मतलब M4 ग्लेशियर, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ये चीज़ सारे पबजी फैंस को ऑलरेडी पता है कि M4 ग्लेशियर कितनी ज़्यादा फेमस है BGMI में और पबजी में। तो गाइस, इस वाली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ प्रोबो के बारे में। प्रोबो एक बहुत ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है। इस ऐप में आपको रजिस्टर करते ही भाई ₹10 का साइनअप बोनस मिल जाएगा, जिससे कि गाइस तुम ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स फॉलो करने के बाद जब तुम इस ऐप में एंटर करोगे, तुम यहाँ पे एक प्रोबर बन जाओगे। और गाइस, जैसे ही आप प्रोबर बनोगे तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और गाइस, इसी के साथ साथ यहाँ पे BGMI, फ्री फायर और अदर गेम्स के भी यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, जिनका तुम आंसर करके, इजी से क्वेश्चन होते हैं, उनका तुम आंसर करके यहाँ पे ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। लाइक जैसे कि गाइस, पबजी का न्यू अपडेट नवंबर में आएगा या नहीं। और जैसे कि पता है आपको नवंबर में अपडेट आएगा, तो आपने अगर यस पे क्लिक कर दिया और भाई तुरंत आपके पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे इस ऐप में। और गाइस, आपको तो पता ही होगा यार, हम इंडियन क्रिकेट के कितने ज़्यादा बड़े वाले फ़ैन हैं, तो मतलब तुम्हें यहाँ पे इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और क्वेश्चन आंसर करने से भाई आराम से जनरल नॉलेज भी बढ़ती है और तुम उसी के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है। और वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो तुम इस ऐप में जाके हेल्प के लिए भाई पूछ सकते हो। और अगर तुम्हें ट्रेड नहीं करना आता तो वो भी तुम यहाँ पे आराम से सीख सकते हो। अब लास्टली एक चीज़ बचती है कि भाई जीते हुए पैसों को हम कैसे विड्रॉल करें, तो तुम किसी भी तरीके से विड्रॉल कर सकते हो, PayTM, UPI और बैंक ट्रांसफर के थ्रू आराम से। और इस वाले ऐप में तुम भाई अपने फ्रेंड को रेफर करके भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, पर रेफर तुम्हें ₹25 मिल जाएंगे। तो इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी आकर डाउनलोड करो। और यार देखो, जैसे कि तुम्हें पता है अभी विंटर सीजन आ रहा है, और अभी हमारे गेम में 3 एक्स सूट है, फेरो, ब्लड ड्रैगन और भाई पोसाइडन, ठीक है। अब एक और एक्स सूट आ जाएगा जो कि विंटर थीम पे बेस होगा, फुल ग्लेशियर वाला भाई इफेक्ट है उसमें, मतलब खतरनाक, उसके इमोट भी बहुत सही है। तो उसकी क्लिप मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखा दी थी, अभी इन वाले बंदों को मारते हैं, फिर मैं तुम्हें उसका पूरा प्रॉपर ओवरव्यू दिखाऊंगा। अरे गोली नहीं है बहन के लौटे। और गाइस देखो, ये वाले बंदे हमारे साथ उतरे थे जॉर्ज बुल में फाइट लेने, ठीक है। और आज मैंने रूनिक पावर इसलिए नहीं खेला था क्योंकि भाई अब हैकर नहीं आ रहे, मतलब बिल्कुल भी हैकर नहीं है। जितने हैकर्स पहले आ रहे थे, बिल्कुल भी हैकर नहीं आ रहे, तो हो सकता है तुम्हें कोई 20-30 मैच में एक हैकर मिल जाए, बट हैकर तो बिल्कुल भी नहीं है अब गेम में। तो आज बिना किसी KD वगैरह माइनस के डर से मैंने आज ये वाला मैच स्टार्ट कर दिया, जो कि क्लासिक था नॉर्मल। वरना यार इतने दिन से हैकर्स के डर से अपन वही खेले जा रहे थे रूनिक पावर लगातार। अभी फिलहाल एक बंदा यहाँ पे TP भी ले रहा था पत्थर के पीछे, उसे मारा, और इसका टीममेट भाई स्कोड हाउस में कैंप कर रहा था। और यार अब जो है मुझे इसके टीममेट को भी मारना था जो कि सामने वाले स्कोड हाउस में था, बट भाई वो बंदा पीक दे के राजी नहीं, बिल्कुल भी पीक नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या छुप के बैठा हुआ था। दैट्स वाई मैं कोशिश करता हूँ इस बंदे को ओपन से जाके मारने की, पर भाई मेरे टीममेट भी कम नहीं थे, वो भी ग्रेनेड वगैरह फेंके जा रहे थे इस बंदे पे टोटली, और मैं भी भाई फ्री फायर मार ही जा रहा था, पर वो बंदा पीक ही नहीं दे रहा था। रेड किसका था इतना ओपी? और यार सिर्फ इस एक बंदे के चक्कर में हम तीनों में इतनी लड़ाई हुई। उधर से भाई मेरा टीममेट ग्रेनेड फेंक रहा, मैं फ्री फायर दे रहा, एक और टीममेट मोली फेंक रहा, लास्ट में जाके पता नहीं किसको ही किल मिल गया। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है BGMI में और पबजी में, मतलब जो बंदा जितने दूर होगा ना भाई उसे ही किल मिल जाएगा। जितने बंदे ज्यादा पास होंगे उन्हें तो घंटा कुछ नहीं मिलेगा, मान लो तुम्हारे आगे कोई एनिमी है तुम्हें किल नहीं मिलेगा, पर जो तुम्हारा टीममेट दूर होगा ना भाई वो किल ले जाएगा।
अब देखो जो मेरी गाड़ी थी वो तो भाई मैंने नूब ड्राइविंग के चलते वहाँ पे फंसा दी और वो घंटा नहीं निकलने की। अब फिलहाल हमारे सामने एक फ्लेयर पड़ी थी जिसके ऊपर हम आ रहे थे, पर ये बंदा भाई इसने पता नहीं फ्लेयर क्यों नहीं लूटी, यहाँ पे अकेले आके इन्हें फ्लेयर चलाई अपने टीममेट से, इसके टीममेट भी नहीं थे यहाँ। यार गाइस देखो हमने ग्लेशियर की पेटी बना दी, तो चलो तुम्हें ग्लेशियर वाला एक सूट दिखाई देते हैं भाई। ये एक सूट मतलब खतरनाक है भाई, विंटर सीजन में ये वाला एक सूट खतरनाक आने वाला है। और यार ये जो इस एक सूट के कुछ इमोट्स है और भाई ये वाला इमोट तो क्या ही खतरनाक है भाई। अब देखो सबकी पसंद अलग अलग होती है, हो सकता है तुम्हें ये वाला पसंद आए, हो सकता है कुछ बंदों को फेरो पसंद हो, कुछ बंदों को ब्लड ड्रैगन और कुछ बंदों को पोसाइडन, तो भाई वो तुम्हारी पसंद पसंद पे डिपेंड करता है। तो गाइस ये जो एक सूट की मैं तुम्हें लिंक दिखा रहा हूँ ये भाई हमें प्रोवाइड करी है मैड तमीज़ा ने, तो उनके चैनल का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, जाके जरूर चेकआउट करना। वो अच्छी अच्छी लिंक्स डालते रहते हैं अपने चैनल पर, तो मतलब उन्हीं के यहाँ से भाई ये वाली मुझे लिंक मिली है न्यू एक सूट की। और यार बाकी इमोट तो ये आइस वाला हेलमेट वाला भी सही है, बट इतना सही नहीं है ये वाला इमोट। और जितना कि मुझे अभी लगता है भाई ये वाला एक सूट भी बहुत ज़्यादा यूसी में निकलेगा, क्योंकि तुम्हें याद होगा जितने भी अभी तक ऑलरेडी एक सूट आए हैं कोई भी भाई अगर निकल तो मतलब मान लो कम ही यूसी में जाते हैं ये, बट भाई इन्हें मैक्स करने में जितनी यूसी लगती है मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, उतने में तो भाई एक बहुत ख़तरनाक आईफोन आ जाए। बाकी यार तुम मुझे बताना तुम्हें कौन सा एक सूट ज़्यादा पसंद है। मेरे पास एक सूट है बट भाई मुझे पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा लगता है यार। फेरो मैक्स है मेरे पे, वो भाई मेरे पे पहना ही नहीं जाता, आज तक मैंने पहना ही नहीं उसे, मतलब बहुत कम पहना है। और यार एक सूट के बारे में मतलब इतनी ज़्यादा बात हो चुकी है भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एक सूट बेचने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे एक फ्लेयर पड़ी हुई थी जो कि उस बंदे ने नहीं लूटी थी, तो मैंने इसमें से ग्रोजा उठा ली और अब जो है इसके बंदे आ रहे थे हमें मारने। भाई इस बंदे ने पहले तो अपने टीममेट से अलग आके फ्लेयर चलाई। पर यार इस वाले बंदे के टीममेट इतने अच्छे थे ना, वो इसका बदला लेने आ रहे थे और ये साला उनसे अलग आके प्लेयर चला रहा। भाई ऐसे बंदे होते ही हैं, मतलब BGMI में कह लो या PUBG मोबाइल में, दोनों जगह ऐसे बंदे होते हैं जो कि भाई प्लेयर मिल जाएगी टीममेट से अलग भग जाएंगे बस अपने। अभी यार फिलहाल तो तुम यहाँ पे देखना ये बंदे आए हैं अपने टीममेट का बदला लेने और कैसे कैसे बैक टू बैक खुद ही ये बंदे मरते चले गए। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करूँगा क्योंकि भाई यहाँ पे गन साउंड इतनी ज़्यादा है ना, यहाँ पे इस चीज़ की जरूरत है ही नहीं वॉइस ओवर की, यहाँ पे गन साउंड से ही काम चल जाएगा। अरे हाँ एक पहली था वहीं पे रैप देने गया है वो। नहीं नहीं खत्म हो गया, एक ही था खत्म हो गया। हाँ ये ले ले ले, हाँ है ना। तुम लोग किधर गाड़ी आया? स्मोक में भी गिरा दिया एक और, क्या बंदा है बे। और लेटे होंगे यहाँ पे, और लेटे होंगे ध्यान से, और लेटे होंगे। एक फिनिश कर दिया मैं इसमें से।
एक पता नहीं बाहर शायद फ्लैंक कर रहा था पीछे। और यार ये जो लास्ट बंदा था सच में ऑलमोस्ट इस वाले बंदे ने ड्राई दिया था भाई, हाथ में गर्मी नहीं ले रखी थी, पता नहीं क्या ही कर रहा था। मेरा टीममेट कह रहा था कि ये मीटअप वाला था, बट घंटा मीटअप वाला नहीं था भाई, मीटअप वाले बंदे तो कूदते हैं, ये बंदा तो खुद वगैरह भी नहीं रहा था, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, पता नहीं क्या ही जी में था उसके। तो अब मेरा टीममेट मार्क करता है साइड वगैरह में स्क्वाड हाउस की तरफ, और यार ये बंदा तो मेरे को दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने क्या करा पीछे से बग्गी उठाई और मैं जाने लगा जोन में, क्योंकि जोन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही हम जोन में गए, हमें जो है इधर स्क्वाड हाउस की तरफ एक बग्गी खड़ी हुई दिख गई, और भाई बग्गी ऐसे तो खड़ी होगी नहीं, मतलब तुम्हें भी पता है हमें पता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऊपर जाता हूँ, यहाँ तक भाई मुझे किसी बंदे के फुट स्टेप वगैरह नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा था कोई बंदा है। मैंने एक नेट फेंक दिया, और गाइस यहाँ पे एक बंदा इतना बड़ा कैंपर था ना भाई, हिल भी नहीं रहा, ग्रेनेड फेंका उधर की तरफ तब भी नहीं हिला, और बहुत लास्ट में हिला, फुट स्टेप आए तो हमने मार दिया इसको। अरे भाई साहब, अब यार देखो मतलब कैसे पड़ा हुआ था भाई, ये बंदा बिल्कुल कोने में अकेला ही। ये चीज सही है भाई, अगर तुम अकेले बच रहे हो तो कैंप करना बनता भी है, बट अगर चार चार बंदे एक ही जगह पे कैंप करते हैं तो भाई वो चीज तो सच में अनफेयर लगती है। अब बाकी अभी हमने कोनी से एक जेस को उठा ली थी अपनी, और इस वाली गाड़ी को उठाने के बाद हम सीधा आते हैं ऊपर पहाड़ पे, और यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा। और सबसे पहले तो यहाँ पे आते ही इस वाले बंदे को मारा, और अब देखना 1:50 के अंदर मतलब ये गेम प्ले कैसे खत्म होता है, क्योंकि हमारे आसपास जो बंदे थे ना वो हमारे ऊपर बैक टू बैक गाड़ी वगैरह उठा के रश कर ही रहे थे। एक तो ये साइड वाले बंदे की गाड़ी फोड़ दी, एक बंदा होड़ता नीचे स्मोक की तरफ तो उसे भी मारना था जैसे ही वो स्मोक से निकलता है। देखो यार दो गाड़ी वाले बंदे तो मर ही चुके हैं, अभी बच रहा है मैं, मेरा टीममेट और सामने दो और बंदे, तो उन दो बंदों को मारते ही अपना इजी चिकन डिनर हो जाएगा। तो क्या तुम्हें लगता है हम इन्हें मार पाएंगे? अरे मैंने दिया था पूरा डैमेज यार। और यार इतने सारे बंदे मार दिए थे तो इन बंदों को भी मारना इजी था। बाकी यही था आज की इस वाली वीडियो में, होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार देना, और नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हारे से किसी एक खुद वीडियो में किसी एक खुद गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।